दोस्तों स्वागत है आपका जानवरों की एक और मजेदार और हंसा देने वाली वीडियो में। हर बार की तरह आज भी हम आपको इनके अतरंगी कांड दिखाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए आप आखिर तक जरूर देखें। ये बात तो आप भी जानते हैं कि घोड़ों को लात देने में कितना मजा आता है, लेकिन अभी कई और भी जानवरों ने घोड़ों से ट्रेनिंग लेकर लात बरसाना शुरू कर दी है। जैसे कि यहाँ पर ये भाई अपने काम से काम मतलब रखते हुए खड़ा हुआ था और उसके ठीक सामने एक बैल भी था जिसने इस बेचारे को लात दे डाली, जिसका पता नहीं इस बैल के साथ कौन सी दुश्मनी है। अब इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि एक एंटीलोप इस झील को पार कर रहा था, तभी मगरमच्छ ने इस पर हमला किया, लेकिन जैसे तैसे उससे एंटीलोप बच निकला। लेकिन अभी सामने ही शेर इसका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब इस एंटीलोप का दिमाग घूम गया, जिस वजह से शेर ने इस पर हमला करने के बजाय वो उससे डर कर दूर भागने लग गया और शिकार किए बगैर ही यहाँ से चला गया। अबे दाता कहाँ है दाले? अरे कुछ तो शर्म करो, आराम करो, मेरी हालत इतनी बुरी है, मैं खाने के पैसे नहीं है। अरे यार तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, तुम लोगों को मारने से फुर्सत मिले तब ना। भाई कुत्ते हमेशा से ही दूसरे जानवरों को उंगली करते हैं, जिन्हें पता नहीं ऐसा करने में इतना मजा क्यों आता है। और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हमें देखने को मिला, जिसमें आप देख सकते हैं कि चार कुत्ते एक बिल्ली को मारने के लिए तुले हुए हैं, जिसके बाद आपको भी यही लगेगा कि आज तो बेचारे इस बिल्ली की वाट लग गई। मगर ऐसा ना होते हुए उल्टा इस अकेली बिल्ली ने चारों ही कुत्तों को लुढ़का दिया। हम हमेशा से ही यही कहते हुए आ रहे हैं कि बंदरों से जितनी दूरी बनाए रखी जाए उतनी ही अच्छी है, क्योंकि इनका मन कभी भी बदल सकता है और ये हम इंसानों पर ही टूट पड़ते हैं। जैसा कि इस वीडियो में एक लड़की इस बंदर को खाना देने के बाद उसके साथ फोटो खिंचवाती है, जिसके बाद बंदर भाई ने लड़की के सिर को चबाने की कोशिश करी। इसे दूसरों के बाल खाना जरा ज्यादा ही पसंद है, मगर उसे इसका टेस्ट कुछ खास पसंद नहीं आया और इस बंदर ने उसे ढकेल दिया। बहुत कड़क है, बाल कैसे आ गए रे बाबा, निकल यहाँ से निकल। यहाँ पर दो कुत्ते सामने इस लिजार्ड पर काफी देर से भौंके ही जा रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर खड़े हुए अंकल जी ने इस लिजार्ड को छोटा सा पत्थर मारा, जिसके बाद इस कुत्ते के रिएक्शन तो देखने लायक थे। क्यों सही कहा ना? अन्ना मुझे याद नहीं लग रहा, आदमी ऐसे होते हैं क्या? नहीं, मुझे भूत लग रहा है अन्ना। अन्ना सीधे खड़ो, ठीक ठीक से। डरना नहीं, डरना नहीं। क्या बदतमीजी है मालिक? जानवरों को खाना देना काफी अच्छी बात है, मगर बंदरों को खाना देना काफी रिस्क की बात होती है। जैसे कि यहाँ पर देखे ये अंकल जी बंदर को खाना दे रहे हैं और साथ ही वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो ये सभी को दिखाना चाहते थे कि उन्होंने बंदर की मदद करी, लेकिन बंदर को ये बात अच्छी नहीं लगी और ये अंकल जी का टोपी लेकर ही भाग गया, जो कह रहा होगा बहुत वीडियो रिकॉर्ड करने का शौक है ना, ये ले अब रिकॉर्ड कर। अरे बाबा ऐसा रोने का नहीं, तेरे को भूख लगा है? केला खाने का तेरे को? ये ले बेटा, ढूस ले। चमाइला, ये गाय का चारा? चमाइला साले मजाक बना के रखते हो। जिस तरह हम इंसानों में इमोशंस होते हैं, उसी तरह जानवर भी एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच होते हैं। यकीन नहीं होता ना तो आप इस वीडियो को देखें, जिसे देखकर आप भी भावुक होने वाले हैं। छोटे पक्षियों को पकड़ने के लिए किसी ने यहाँ पर जाल बिछा कर रखा हुआ है, पर शायद ये बात इस पक्षी को पहले से ही मालूम थी, जिस वजह से इसने अपनी पार्टनर को इस जाल से बाहर ही रखा और खुद रिस्क लेकर खाना खाने के लिए अंदर जाने लगा, जिसके चलते इसने खुद का भी पेट भरा और अपने पार्टनर का भी। दोस्तों यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तब आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमें यह वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। धन्यवाद।